Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सुनहरे पनीर दी कढ़ाई, एक्चुअली पनीर दा नेचुरल फ्लेवर थोड़ा ब्लेंड हुंदा है, इसलिए कुछ स्पाइसेस नाल आपां इसनूं फ्लेवर करांगे ताकि बहुत ही टेस्टी बने। सब तो पहला जा रहा है जी अद्धा चम्मच नमक, क्वार्टर चम्मच हल्दी का पाउडर, क्वार्टर चम्मच देगी लाल मिर्च। इस मैं ऐड कर रहा हूँ जी अद्धा चम्मच कसूरी मेथी। इस रेसिपी मेथी का फ्लेवर थोड़ा स्ट्रोंग कर रहे हैं आपां। ते नाल असी ऐड करांगे जी एक चम्मच बेसन, भुनिया हुआ बेसन इसनूं बाइंड करेगा जी मैरीनेशन नूं। इस मैरीनेशन दे विच लिक्विड पार्ट जिहड़ा है वह दही जा रही है, 2 to 3 चम्मच असी कर्ड ऐड करांगे। ते नाल असी पावांगे जी अद्धा चम्मच क्रीम ते 1.5 चम्मच सरों का तेल। ते सारे इंग्रीडियंट्स जिहड़े मिक्स कर लेने आपां एक बार। ते इस स्टेज ते ऐड करांगे 1/2 नींबू का रस, क्योंकि वैसे टमाटर बहुत डोमिनेंट है इस रेसिपी, इसलिए मैं लैमन ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहा, पर मैरीनेशन दे विच बहुत वधिया फ्लेवर दिंदा है। ते हुण जी ये नींबू ऐड करन तो बाद सारे पनीर दे पीसिस जिहड़े हैं आपां कोट कर लवांगे। बहुत ही केयरफुली इसनूं आपां मिक्स करना, क्योंकि पनीर बहुत डेलीकेट हुंदा जी। ते कोशिश ये करो कि हल्के हाथ नाल इसनूं कोट करो ताकि पनीर दे पीस टुटण ना। ते देखो जी पनीर बहुत ही सोहने तरीके नाल मैरीनेट हो गया जी, वधिया कोटिंग हुई है जी। पनीर नूं थोड़ी देर लई असीं रेस्ट करन देवांगे। ते जद तक पनीर ये साइड ते रखदे आपां, तड़का तैयार करते हैं बहुत ही फ्लेवरफुल इस रेसिपी लई। ते तड़का पैन जिहड़ा है वह गर्म करना मैं। इस रेसिपी का जिहड़ा डोमिनेंट फ्लेवर है वह आएगा जी 2 चीज़ों तो, एक तो हो गया जी टमाटर, वो नाल नाल ना कुछ खड़े स्पाइसिस आप ऐड करांगे जिहदे नाल बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सब तो पहला जी सरों का तेल यूज़ कर रहा मैं इत्थे 2 to 3 चम्मच। तो नाल इस तेल दे विच असी ऐड करांगे जी 1 चम्मच मक्खन, इसनों आप मेल्ट होने देना जी। ते लो जी सरों का तेल ते बटर जिहड़ा ना मेल्ट हो चुक्या, वधिया टैंपरेचर आ गया इसका। हुण असी इस च ऐड करांगे थोड़ी जी कालियां मिर्चा, 4 to 5 पीस जिहड़ियां मिर्चा दे जा रहे हैं इस च कालियां मिर्चा दे। ते मैं ऐड कर रहा जी मोटी इलायची 3 पीस, इहदा फ्लेवर बहुत वधिया आंदा कढ़ाई दे विच। हुण जाएगा जी 1/2 चम्मच अजवाइन ते 1/4 चम्मच जीरा। ये सारे खड़े मसाले जिहड़े ना आपां भुन लैणे आ। ते खड़े मसालों का फ्लेवर आना शुरू हो गया जी। हुण आपां इहदे विच ऐड करांगे एरोमैटिक इंग्रीडियंट्स। सब तो पहला जा रहा जी 2 चम्मच चॉप किया हुआ लसन, 1 चम्मच चॉप की हुई अदरक ते 1 चम्मच ही ऐड कर रहे हैं चॉप की हुई हरी मिर्च। ये तीनों इंग्रीडियंट आपां सौते करने हैं। ते देखो जी अदरक लसन हरी मिर्च नूं भुनन तो बाद इस रेसिपी च आपां ऐड करांगे 1 चॉप किया हुआ प्याज, ते प्याज नूं आपां गोल्डन होने तक भुन लेना जी। ते लो जी हुण प्याज दा जी लाइट गोल्डन कलर आ चुके है। इस स्टेज ते आपां ऐड करांगे जी 5 to 6 चॉप किए हुए टमाटर। ते चंगी तरह इसनूं आपां मिक्स करके भुन लेना है। बटर नूं कर लेना मेल्ट। ते हुण आपां पैन दे विच पनीर दे पीस ऐड करन लगे हां। पैन दी कपैसिटी दे हिसाब नाल 6 to 7 पीस जिहड़े हैं एक वार दे विच तुसीं कुक कर सकदे हो। ते जिवें कि देखो एक साइड तो बहुत वधिया कलर इसका आ गया, हुण मैं इसनूं फ्लिप कर लैना। ते सुनहरा पनीर साडा रेडी हो गया। कढ़ाई ग्रेवी का मसाला जिहड़ा है ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। तो मीन वाइल आप जिन्नी सब्जियां ने ना जी इन्हां नूं टॉस कर लेंगे बटर दे विच। थोड़ा जिहा इसका फ्लेवर इंप्रूव करने लई बटर च टॉस कर लिया सी। इत्थे असी ऐड कर रहे जी 1/2 चम्मच बटर, इसनूं मेल्ट करांगे। ते लो जी बटर मेल्ट होना शुरू हो चुका है जी। इस स्टेज ते सब तो पहला ऐड करांगे जी आपां कैप्सिकम। कैप्सिकम नूं थोड़ा जिहा टॉस करांगे 1 to 1.5 मिनट लई। ते नाल दे नाल ही जिहड़ी खुशबू है ना कैप्सिकम दी वो आनी शुरू हो चुकी है, बहुत वधिया शाइन बटर वाली इस दे उत्ते आ गई। ते हुण आपां इस च ऐड कर रहे हैं जी प्याज दे पेटल्स, इन्हां नूं भी आपां टॉस करना है।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟੌਸ ਕਰੋ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ 10-12% ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੌਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਚਾਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 1/4 ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਅਤੇ 1/2 ਚਮਚ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 50-60 ml ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਟ ਹੋ ਸਕੇ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਨੀਰ ਬਹੁਤ ਡੈਲੀਕੇਟ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ 1-2 ਚਮਚ ਕਰੀਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਰਿੰਗ ਅਨੀਅਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸਚਰ ਅਤੇ ਫਲੇਵਰ ਦੇਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੌਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰੁੱਥ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੌਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਬਸ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਲਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਫਲੇਵਰ ਦਾ ਜੀ Z5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ